हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मैनजीत सिंह एंड वी आर वाचिंग टेक बाइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये खूबसूरत सा फ़ोन वीवो V25 प्रो के बारे में। तो ये जो फ़ोन है मैंने अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले परचेस किया था, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो सोचा कि यूज़ करने से पहले क्यों ना आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग इसकी की जाए। और सबसे पहली बात, जो ये फ़ोन मैंने परचेस किया है इसके पीछे मेरे एक रीज़न भी है, तो मैं उसको बाद में बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों परचेस किया है। और अभी जिस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस फ़ोन से, वो 5,000 का फ़ोन है ऑलमोस्ट। ये लावा का फ़ोन था मेरे पास और पिछले 3 साल से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ोन चेंज किया जाए, और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने जैसे वो बताया कि मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कि क्या रीज़न है इसके पीछे में इस फ़ोन को। तो पहली बात, तो इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, और अगर वीडियो में पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ जो है आगे भी मिलती रहें। तो इस फ़ोन की अगर मैं खासियत की बात करूं, तो ये फ़ोन है मेरा 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम के साथ। और इसका जो मैंने कलर जो चूज़ किया है वो मैंने किया सेलिंग ब्लू करके, इसका कलर है, दो वेरियंट है इसके अंदर, ब्लैक एंड ब्लू, तो मुझे ब्लू ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने इसको जो परचेस किया है वो क्रोमा से परचेस किया है। क्यों परचेस किया है, इसके पीछे का रीज़न है ये फायरवॉल का एक स्मार्ट वॉच। तो जी हाँ, कि जब मैं इसको क्रोमा पे गया देखने के लिए, तो क्रोमा वाले बहुत अच्छा डील मुझे दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास आप अगर आप ये फ़ोन परचेस करते हैं तो आपको इसके साथ एक फायरबॉल्ट का ये जो स्मार्ट वॉच है ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास, ये हम आपको गिफ्ट करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यार, क्योंकि मैंने ऑनलाइन जब इसको देखा था, लाइक आप कह लें कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो मुझे उस पर कुछ डिस्काउंट ऑफर मिल जरूर रहते, लेकिन मुझे गिफ्ट की जो है शौक मुझे ज़्यादा है। अगर मुझे कुछ गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट में मिलता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्रोमा से परचेस कर लिया जाए। तो जब मैंने इसको क्रोमा से परचेस किया तो मुझे ये वॉच मिला है। तो हालांकि इस वॉच की भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या है खासियत इस फ़ोन के अंदर। तो चलिए बने रहे वीडियो के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीवो V25 Pro की अनबॉक्सिंग को। ये रहा आपका खूबसूरत सा वीवो V25 Pro। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर दो कलर थे, ब्लैक एंड ब्लू, और मुझे जो ये कलर है काफ़ी प्रीमियम लगा था, इसलिए मैंने इसका जो कलर है ये ब्लू चूज़ किया है। तो अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें है आपका, मैंने जो लिया है वो 128 GB स्टोरेज प्लस 8 GB रैम के साथ। तो अगर मैं इस कैमरे को फोकस करके आपको मैं दिखाऊं, तो ये है 8 GB रैम के साथ और 128 GB स्टोरेज के साथ। इसमें दो वेरिएंट थे, इसमें 12 GB रैम के साथ भी था, तो वो मैंने चूज़ नहीं किया। मैंने कहा चलिए 8 GB के साथ ही यूज़ करते हैं, काफ़ी 8 GB भी काफ़ी अच्छा मतलब रैम है। और सबसे खासियत इस फ़ोन की है कि आपको 8 GB रैम तो उसका फिजिकल मिलता है, प्लस साथ में वीवो ने एक सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर दी है जिसमें कि आपका 8 GB वर्चुअल रैम भी इसके अंदर जब आप यूज़ करेंगे, गेमिंग वगैरह करेंगे, तो इसमें 8 GB वर्चुअल रैम भी आपको मिलता है। तो ऑलमोस्ट 16 GB रैम का ये आपका फ़ोन आता है। तो कलर काफ़ी प्रीमियम है, तो फ़ोन को रखते हैं साइड में। तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले ये है इसके अंदर एक सिलिकॉन का ट्रांसपेरेंट बैक कवर, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, और यही मुझे कवर अच्छे भी लगते हैं देखने में, काफ़ी प्रीमियम लुक है। और इसके बाद है आपका ये स्टार्ट गोई जो है गार्ड है, गाइड है एक तरह से, ठीक है। और ये है आपका वारंटी कार्ड, तो इसको रखते साइड में। अच्छा, तो ये है आपका फास्ट चार्जिंग अडेप्टर जो कि काफ़ी हैवी है वेट में, और ये 66 वॉट का आपका फास्ट चार्जिंग अडेप्टर है जो कि आपके फ़ोन को 30 से 40 मिनट्स में जो है फुल चार्ज कर देगा, तो काफ़ी अच्छा अडेप्टर है। और इसके साथ है आपका ये सी केबल आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए, सी टाइप केबल। और ये है इसके साथ में एक पिन जो कि आपका ट्रिनर जो कि आपके सिम ट्रे को निकालने के काम आते हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। और इसके बाद फ़ोन को करते हैं हम स्टार्ट। अच्छा, अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें बैक साइड में आपके पास टोटल 3 कैमरे हैं और फ्रंट में एक कैमरा है। तो फ्रंट में जो कैमरा है वो आपका 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और इसके अंदर जो अगर मैं पीछे की बात करूं, बैक साइड में इसके पास 3 कैमरे हैं, तो ऊपर वाला जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का ऑटो OIS आपका कैमरा है, नाइट कैमरा जिसे बोलते हैं। और बीच वाला जो कैमरा आप देख रहे हैं ये आपका 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, और सबसे छोटे वाला नीचे की तरफ ये जो है आपका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो ये काफ़ी
मतलब जो ब्लॉगिंग के पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और मैंने इस ब्लॉगिंग के पर्पज़ के लिए इस फ़ोन को परचेज़ किया है। और अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है ये लिखा है प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि फ़ोन जो मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी कैमरा क्वालिटी इतनी गुड नहीं है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी इसके अंदर लिखा हुआ है, तो सॉरी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इट्स अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी। नाउ तो फ़ोन को करते हैं स्टार्ट। ये हुआ फ़ोन स्टार्ट। अच्छा, इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो ये डिस्प्ले के अंदर आपको इसके अंदर ऑटोमेटिकली वीवो की तरफ से एक स्क्रीन गार्ड मिलता है, तो आपको स्क्रीन गार्ड लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। और जो डिस्प्ले है वो आपका कर्व डिस्प्ले है, इसीलिए मैंने इस फ़ोन को चूज़ किया है, क्योंकि इसका जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम है, तो इसीलिए, क्योंकि कलर के साथ साथ इसका लुक जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये हो गया फ़ोन स्टार्ट। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसके अंदर मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसके अंदर है, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो काफ़ी फास्ट जो है ओपन होती है। अगर मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊं तो जो ओपन होने का जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कि किसी तरह का स्लोनेस या कुछ ऐसा। अब हो सकता है कि नया फ़ोन है तो इसको मैं 2 से 3 दिन फ़ोन को मैं यूज़ करूंगा, और उसके बाद इसके सारे फीचर्स जो भी इसके वीडियो से रिलेटेड या जो भी फोटोग्राफी से रिलेटेड जो फीचर्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे और बतानी थी, ये कि इस वीवो ने इसके अंदर एक गड़बड़ी है कह रही है कि इसके अंदर इसमें ऑडियो जैक नहीं दिया गाइस, तो ये एक मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि अगर आपके पास 3.5 mm जैक का अगर कोई ऑडियो केबल है तो अब वो इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टाइप सी या तो फिर वायरलेस या फिर वाईफाई या ब्लूटूथ आपको केबल चाहिए होगा, ऑडियो केबल, तो ये एक थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा। बाकी हालांकि आजकल मैक्सिमम लोग जो हैं वो ब्लूटूथ आपका यूज़ करते हैं। तो ये रहा फ़ोन की अनबॉक्सिंग। अब मुझे बताइएगा फ़ोन आपको कैसा लगा, देखने में कैसा है, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम लोग वीडियो फीचर्स और सारी चीज़ें लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी वीडियो के अंदर आपको चीज़ें पसंद नहीं आई या कुछ चीज़ पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।